बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। अब इस हाल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां बेरोजगारों के कातिल, जहां किसानों के कातिल, जहां व्यापारियों के कातिल, ये भाजपा वाले पूछे अम्मा हुआ क्या। मतलब हम जैसे लोग पैदा नहीं हुए थे तब से सांसद रायबरेली में खूनी पंजे का है। वो ये मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो के हिंदू मुसलमान पे चुनाव जीत रहे हैं और राहुल गांधी को 5 लाख वोट जिताए। आतंकी को संरक्षण देने के लिए वायनाड गांधी परिवार का सिर्फ एक और सिर्फ काम है आतंकियों को संरक्षण देना। टाटा बाय बाय खत्म गया, तो अब की बार राहुल जी का वही हाल है, टाटा बाय बाय खत्म गया। आप अपने प्रत्याशी को बताएं 7 साल। तो दिन भर गाँव देहात घूमने के बाद हम रायबरेली के दिल यहाँ के खालसा चौराहे और सुपरमार्केट आ गए हैं। लोगों से समझने कि शहर के लोगों का क्या मिजाज है, गांव के लोगों से तो हमने समझ लिया है वो क्या चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, मगर रायबरेली ठेठ शहर के लोग क्या चाहते हैं, जो फिलहाल उनकी सांसद सोनिया गांधी उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो नए प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से आए हैं राहुल गांधी उनके बारे में क्या सोचते हैं, और पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह जो चुनाव लड़े थे बीजेपी की तरफ से वो एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से मैदान में, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं, और रायबरेली के क्या बड़े मुद्दे हैं, और क्यों ये सीट इतने लंबे समय से कांग्रेस परिवार का गढ़ बना हुआ है, ये समझने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं आप तमाम लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपरमार्केट इलाका, ये सुपरमार्केट बोलते हैं इसको, ये एकदम मान सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है रायबरेली का, हाँ दिल है रायबरेली का। अच्छा, क्यों कहते हैं दिल इसको? क्योंकि लगभग रायबरेली शहर के चारों तरफ का एरिया सिमट करके टोटल यहीं पे आ करके रुक जाता है। अच्छा, इसलिए इसको रायबरेली का दिल बोलते हैं। और सुपरमार्केट क्यों बोलते हैं इसको, ऐसा क्या है यहाँ खास? रायबरेली शहर की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा, यहाँ पर जितनी पार्किंग व्यवस्था है और रायबरेली के अन्य मार्केटों में नहीं है, इसलिए रायबरेली की सुपरमार्केट कहा जाता है। ये कपड़ा मार्केट जैसी है कि हर तरह का सामान मिलता है, क्या क्या मिलता है यहाँ? सब कुछ मिल जाता है, और यहाँ ये सुपरमार्केट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ दो बड़े राजनीतिक दलों का कार्यालय भी है। अच्छा, उस किनारे बीजेपी का है, जहाँ आप खड़े इसके ठीक सामने समाजवादी पार्टी का। अच्छा, पीछे ये समाजवादी पार्टी कार्यालय है और आगे बीजेपी का, अगल बगल है, अगल बगल भी, तो ये इसीलिए सुपरमार्केट जाता है। अगल बगल मामला सटा हुआ है, मगर वैसे तो वैचारिक रूप से तो बड़ा दूर है। तो मैं थोड़ा समझना ये चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी का गढ़ इतने लंबे समय से रायबरेली सीट क्यों बनी हुई, क्या कारण है इसका? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है। मेरा नाम पारुल वाजपेयी है, मैं यहीं का व्यापारी भी हूँ, यहीं रहने वाला हूँ। कांग्रेस गढ़ का इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर हम विकास की बात करें रायबरेली में क्या हुआ है, तो एशिया का नंबर एक का एरो ट्रेनिंग सेंटर, फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर रायबरेली में, जो कि एशिया में सबसे सस्ता। अच्छा। इंदिरा गांधी जी ने दिया, इंदिरा गांधी जी ने उसके बाद जो है यहाँ पर ITI देने का काम किया, भवानी पेपर मिल का देने का काम किया, उसके बाद फिर जब राजीव जी आए तो उन्होंने भी यहाँ पर होम सीना टेक्सटाइल देने का काम किया, फिर उसके बाद जब यहाँ सोनिया जी आई तो सोनिया जी ने अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में एम्स देने का काम किया, रेल कोच का कारखाना देने का काम किया, रेल पहिया का कारखाना देने का काम किया, निफ्ट जैसी पढ़ाई शैक्षिक संस्थाएं देने का काम किया। रायबरेली में पॉलिटेक्निक भी अगर कॉलेज है तो वो भी कांग्रेस के ही गवर्नमेंट में आया है, और जो थोड़ा सा विकास रायबरेली का जो पत्रकारों का और सब लोगों का कहना नहीं हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बीच बीच में गवर्नमेंटें बनी, जैसे मायावती जी की 4 बार गवर्नमेंट बनी, मायावती जी ने रायबरेली के साथ पूरा भेदभाव किया। यहाँ खड़े सब लोग मेरी बात को कहेंगे मैं सही कहूँगा या गलत कह रहा हूँ। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री बनकर के आए तो उन्होंने रायबरेली में बंद पड़ी शुगर मिल की जमीन को एम्स में देने का काम किया, लालगंज के पास जो घूरा पड़ा हुआ था उस जमीन को वहाँ पर देने का काम किया। तो ये जो राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, इन सरकारों ने रायबरेली जिले के साथ भेदभाव किया, और अगर ये भेदभाव ना होता तो आज रायबरेली बहुत आगे होता। आप यहाँ जो कम देख रहे हैं वो सब सुविधाएँ और भी आपको मिलती, लेकिन आज भी रायबरेली हमारा जो है फतेहपुर से कंपेरिजन कर लीजिए, प्रतापगढ़ से कर लीजिए, जौनपुर से कर लीजिए, कौशाम्बी से कर लीजिए, बाराबंकी से, आप कह रहे हैं अगल बगल के जितने जिले हैं उनसे ज्यादा विकसित है, उनसे लाख गुना बेहतर हमारा ये जिला अस्पताल है। आप एम्स तो छोड़ दीजिए, बहुत ऊपर चला गया सोनिया गांधी जी ने, आज ये इन जिलों के लोग हमारे जिला चिकित्सालय में आकर के इलाज कराने का काम करते हैं। अच्छा, इसलिए रायबरेली और रायबरेली का विश्व स्तर पर नाम
कांग्रेस की ही देन है। अगर हम अमेरिका चले जाएं, हम अगर ईरान अफगानिस्तान कहीं भी चले जाएं, अगर रायबरेली बताएंगे तो कहेंगे रायबरेली यानी सोनिया जी का, कांग्रेस का गढ़। इसलिए और इस बार भी मतलब क्या एक मामला ये भी है क्या कि पहचान जुड़ गई एक बड़े नाम से, क्यों नहीं, इसलिए भी यहाँ के लोगों को लगता है कि कम से कम उनको जिताते रहे तो पहचान बनी रहेगी, ऐसा है। क्यों नहीं त्रिपाठी जी, हम आपको जब टीवी में देखते हैं तो यही जानते हैं कि आप भारतवर्ष के चैनल के पत्रकार हो, तो आपकी पहचान चैनल से है, रायबरेली की पहचान कांग्रेस से जी। और यहाँ पर जो है चार विधायक मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी जो नीति का कार्य आता है वो भी तो समाजवादी पार्टी के ही देने करवा रहे हैं। जो सांसद निधि आती है, आ रही थी सोनिया जी की, वो भी रायबरेली में। विकास कहते हैं कोई एक नई चीज, आज 8 साल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हो गया है, इन 8 सालों में एक भी नई चीज कोई हमारी रायबरेली को नहीं मिली, ये हम लोग जानते हैं। जो भी देन है वो कांग्रेस की देन है या समाजवादी पार्टी की देन है। तीसरा, अभी तक रायबरेली में किसी ने भी एक नया काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार होती है तो काम नहीं होता है, नहीं होता है। भाजपा की सरकार होती है तो काम नहीं होता है, नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार तो बहुत लंबे समय से वैसे भी नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, अब क्योंकि रायबरेली में है तो थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि आप लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई रायबरेली गढ़ है कांग्रेस पार्टी, मगर और जगह जाते हैं तो कांग्रेस लगातार सिकुड़ती नजर आ रही है, चाहे प्रदेश से हो चाहे देश से हो। इसका कारण क्या है कि रायबरेली वाले लगातार जिताते हैं मगर बाकी जगह सिकुड़ती जा रही है। आप आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं, आम आदमी से हैं। अच्छा, तभी आपने लगा रखा है टोपी जी, हैं और खुश भी बहुत लग रहे हैं आप। खुश क्यों न रहे, हम लोग गठबंधन में हैं जी, हम लोग गठबंधन में हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी का गठबंधन में समर्थन है। राहुल गांधी जी को लड़ा रहे हैं, राहुल गांधी जी को इतनी रिकॉर्ड मतों से जनता जिताएगी यहाँ कि दोबारा यहाँ पर मंत्री जी का परिवार आएगा नहीं, और ऐसे में भी मंत्री जी के परिवार को जनता लाइक ही नहीं कर रही। दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी जी, उनकी बात कर रहे जी, उनकी बात कर क्यों लाइक नहीं करती, ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि अब पता चल रहा है कि लोग कहते हैं कि भैया उनको जिताने का मतलब है कि गुंडागर्दी, जबरदस्ती को चीजों को छीन लिया जाता है, वहाँ पर छीन लिया जाता है। सरकार जो योगी जी की सरकार है वो तो ये दावा करती है गुंडागर्दी खत्म कर दी, आप कह रहे हैं आप हरचनपुर कह रहे हैं कि आप पार्टी जुड़े हो, नहीं नहीं हाँ। आप हरचनपुर बछरावा में जाइए, छोटे छोटे तबके के लोगों से पूछिए तो उनका दर्द निकल कर आपके सामने बयां हो जाएगा, दर्द निकल कर बयां हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कि ये कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, नहीं, सिर्फ सबका साथ और खुद का विकास ये चाहते हैं वो लोग। विकास पर हर एक परिवार का नहीं चाहते हैं, गरीबों की नहीं चाहते हैं। हमने देखा भैया जी, हमने देखा कि 2019 में कोरोना काल का समय आया, कोरोना काल के समय में हमारे काफ़ी लोग अस्त व्यस्त हो गए, और यहाँ पर प्राइवेट विद्यालयों के लोगों ने इतनी लूट बाजारी की कि उस समय तो हर परिवार मतलब परेशान था। प्राइवेट के विद्यालय के लोगों ने हर अभिभावक से जबरदस्ती फीस लिया और टीचरों को वेतन नहीं दिया। हमारे जितने भाई लोग हैं सब लोग चाहते हैं कि मैं भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, लेकिन इस सरकार में शिक्षा तो देना बहुत मुश्किल की बात है। और मैं अपने युवा भाइयों से और रायबरेली की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है तो बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। इसलिए कि हमारी सरकार दिल्ली में है, शिक्षा की क्रांति पैदा की हुई है, जहां पर शिक्षा, चिकित्सा, 300 यूनिट बिजली का बिल फ्री, हर महिलाओं का बस का यात्रा फ्री, और अभी जल्दी में माननीय हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 18 साल प्लस महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया, उसमें लोग टिकट टिप्पणी करने लगे। शराब घोटाला, जेल जाना पड़ा। देखिए, शराब घोटाला नहीं है ये, तो बीजेपी की जो ईडी और सीबीआई है वो बीजेपी के पालतू तोते हैं। अच्छा। हाँ, वो जबरदस्ती केजरीवाल, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वो किया है कि कल आज अंतरिम बिल देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आज ईडी के लोगों ने फिर रोकने के लिए कहा कि कल हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। तो अच्छी बात है चार्जशीट दाखिल हो, नहीं तो ये ईडी ऐसी चीज है को पाँच साल तक चार्जशीट ही नहीं दाखिल करे तो 5 साल जेल काटना पड़े। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार तिवारी, समाजवादी पार्टी से, सपा से जुड़े हुए हैं जी।
समाजवादी पार्टी लड़ा रही है कांग्रेस को ठीक से? बिल्कुल लड़ा रही है। अच्छा, मजबूती के साथ लड़ा रही है। मजबूती के साथ, जैसे कि ये एकदम अंतिम समय में फैसला हुआ कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे, तो इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? नहीं, हम लोग के मन में कोई शंका किसी प्रकार की नहीं थी, ये पहले से सुनिश्चित था। लेकिन किसी दल की अपनी पहले से तय था कि राहुल गांधी लड़ेंगे? नहीं, ये तय नहीं था, लेकिन ये था कि कोई बड़ा ही लीडर होगा, चाहे प्रियंका जी होंगी चाहे राहुल गांधी जी होंगे, क्योंकि हाईकमान को फैसला करना होता है। किसी दूसरे दल का मामला था, गठबंधन हमारा जरूर था लेकिन वो कांग्रेस को करना था, तो ये क्लियर था कि कोई बड़ा ही नेता आएगा। और लोग कहते हैं कि अमेठी क्यों छोड़ा, राहुल गांधी वहाँ से लड़ते थे, पिछला चुनाव जरूर हारे। बहुत लोग ये सवाल खड़े करते हैं ना कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा और रायबरेली क्यों आए, उनको अमेठी ही लड़ना चाहिए था, इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई? एक चीज़ ये बताइए कि ये प्रश्न तो राहुल गांधी के लिए तो लागू हो रहा है, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछा कि उन्होंने गांधीनगर क्यों छोड़ा और बनारस क्यों पहुँच गए? और वहाँ हारे नहीं थे ना वो, इसलिए। तो राहुल गांधी जी पहले भी चुनाव जीतते रहे, 2019 ही तो हारे हैं, और हारने के बाद बगल का ही जनपद आता है रायबरेली, और इनकी मातृत्व सीट रही है ये, तो इसमें लड़ना कोई ऐसी बात तो नहीं है। अपनी माँ की जगह पड़े विरासत में ही सीट जाती है, तो कोई गलत निर्णय तो नहीं रहा है। अब भागे नहीं है, ये भागने वाली बात तो ये बीजेपी के लोग कहते हैं, स्मृति ईरानी कहती हैं, बाकी राहुल जी कहीं से भागे नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे, अप्रॉक्स 5 लाख वोटों से जीत के गए। 5 लाख कैसे, गणित क्या है ये, 5 लाख वाला गणित कैसे आया है? 5 लाख वाला गणित ऐसे आ रहा है कि देखिए, यहाँ पे हर वर्ग, चाहे वो मान के चलिए कि छोटा वर्ग हो, मध्यम हो, अपर क्लास्ट हो, ये बहुत बड़ी संख्या में देखा जाए तो राहुल गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। अब पिछली बार तो अंतर 1,50,000 के आसपास ही था। नहीं, 1,25,000 का अंतर था, 2 लाख का अंतर था, वो अंतर अब जाके दुगने के ऊपर जा रहा है। दुगने के ऊपर अभिभावक भी चिंता रहे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अमेठी को छोड़ा नहीं है, अपना दिल निकाल करके प्रत्याशी के रूप में अमेठी को दे दिया है। अच्छा, जो वहाँ से प्रत्याशी शर्मा, उनका दिल है केएल शर्मा, गांधी परिवार का दिल है, और केएल शर्मा जी रायबरेली के भी दिल है। क्यों? क्योंकि कम से कम 25-30 साल से केएल शर्मा जी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, और अगर कांग्रेस या गांधी परिवार के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद रायबरेली में किसी ने विकास किया है तो उसका नाम केएल शर्मा है। आज तक रायबरेली में 30 सालों से केएल शर्मा जी काम कर रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में, कभी भी कोई रायबरेली की एक जनता बताते कि उन्होंने कहीं एक भी बिस्वा जमीन कब्जा करने का काम किया हो नजूल की। केएल शर्मा ने कभी भी कोई बताते कांग्रेस के नाम पर या सत्ता के नाम पर कभी भी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए एक भी रुपया लिया हो केएल शर्मा ने? कोई भी बता दे कि केएल शर्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का महिला उत्पीड़न का आरोप लगा हो? हाँ, उनके ऊपर आरोप क्या लग गए? उनके ऊपर आरोप ये लगा कि जैसे 10 स्कूल में 10 सीटें हैं और मांगने वाले 25 लोग हैं, तो भाई सीटें तो 10 ही हैं ना, 10 ही लोगों को तो दी जाएंगी, 15 जिनका काम नहीं हो, सिर्फ ये आरोप है। बाकी केएल शर्मा जो है राहुल गांधी जी के गांधी परिवार के और रायबरेली का दिल है, वो वहाँ लड़ने गया है। और केएल शर्मा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो भी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत करके स्मृति ईरानी जो 13 रुपया की लिए, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया पिछली बार, आप कह रहे हैं इस बार वो केएल शर्मा से हार जाएंगे? वो जनता का एक रोष था। अच्छा, राहुल गांधी के प्रति? हाँ, राहुल गांधी कह लीजिए या कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कार्य विकास के नहीं हो पाए थे उसकी वजह से, पर 5 सालों में उन्होंने संजय गांधी हॉस्पिटल को मतलब और बढ़ाने की जगह बंद करवाने का काम किया। इस 5 साल में वो भी प्राइम मिनिस्टर के एकदम पास में थी, केंद्रीय मंत्री थी, एक भी कार्य उन्होंने भी अमेठी में नहीं किया, और अमेठी की जनता इतना त्राही कर रही है क्योंकि रायबरेली जैसी ज़्यादा सुविधाएं वहाँ नहीं थी। अमेठी की जनता इतना त्राही कर रही, कह रही कि अब की बार जो भी आए किशोरी जी आए उनको 2 लाख से वोटों से जिताने का काम करेगी, या आप 4 जून को देख लीजिएगा। भाव जी, क्या नाम है आपका? सुखे। क्या करते हैं? खेती करते हैं। रहने वाले रायबरेली के? नहीं, हाँ, कहाँ के? मेरठ के हैं। मेरठ से यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ राहुल गांधी के उसमें आए थे फार्म भरवाने। राहुल गांधी कौन सा फार्म? ये नाम मान कर तो पत्र भर गया, उसमें से जब से यही है। अच्छा, रहने वाले मेरठ के? क्या लग रहा है चुनाव में? यहाँ चुनाव में यू लग रहा है राहुल गांधी जीतेगा। अच्छा, आपका बाबूजी का नाम? राजन वाजपेयी। क्या करते हैं आप? पान मसाले काम करते हैं। अच्छा, पीछे आपकी दुकान थी जहाँ हम बात कर रहे थे। जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, ये कांग्रेस पार्टी का, आप तो पुराने आदमी हैं, पान मसाले दुकान है तो आपके पास पूरे जिले का आदमी आता भी होगा, क्या कारण है जो कांग्रेस लगातार यहाँ जीतती आ रही है, और इस बार क्या लग रहा है? यहाँ का 80% लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस ही जीतेगी, इसलिए यहाँ जो भी किया कांग्रेस ने किया है उसके बल पर वो जीतेगी, वो जीते के हकदार है वो।
अच्छा। भेजने की हकदार इसलिए जीत रहे, जो बोएगा वही काटेगा, तो कांग्रेस ने बोया वही काटेगा, वो जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस ने बोया, कांग्रेस ने काम कराया, इसलिए जीतेगी। और बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार है, क्या किया? कोई एक काम बताइए आप, कोई एक काम बताइए आप बताइए हमें। अरे कोई काम होता तो बताएं, कोई काम होता तो बताएं, कोई किसी कोई काम ही नहीं किया, जो भी है और कांग्रेस ने किया है। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, एम्स देख लीजिए आप, रेलवे कोर्ट देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, जम्मू का पूर्व सब कांग्रेस का किया हुआ है, और बात पर कुछ नहीं किया, इसलिए वो जीतेगी। क्या नाम है आपका? अरे आप बताओ, आपसे बात करें, आप नहीं समझ रहे, हम इनके बात अरे बताओ तो तू लोगन का बुलवा इधर। अच्छा, आपके दूसरी पार्टी का मामला है, ज्यादा हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम करण सिंह है। हमारे पूर्व में बहुत से वक्ताओं ने बहुत ही सरलता और सहजता के साथ अपनी बात को रखा। पूरा परिचय दो अपना, बिल्कुल स्टाइल में बोले तो पार्टी के आदमी हो। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पूर्व में बहुत से वक्ताओं ने पूरी सरलता और सहजता के साथ अपनी बात रखी। मैं भी प्रयास करूँगा कि पूरी सरलता सहजता के साथ प्रत्येक उनके प्रश्नों का उत्तर दूँ। सबसे कहा कि कोई काम नहीं हुआ पिछले 10 साल में, हम सबका जवाब कर रहे हैं बहुत आराम से। सबसे पहले तो मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा, रायबरेली की महान जनता मिटाने जा रही उन हस्तियों को चुनाव जीतने के बाद जो झांकने नहीं आते हमारी बस्तियों को। सबसे पहले कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद, चलिए ठीक है, मान लिया कि वो बीमार थी, अस्वस्थ थी, वो नहीं आ सकी, जीत का प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आई, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, रायबरेली का हृदय बहुत बड़ा है, वो उनको माफ़ करती है। लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कांग्रेस पार्टी के ही 7 पदाधिकारियों की मृत्यु हो गई, क्या राहुल और प्रियंका उन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ आवास पे जाकर के शोक संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते थे? आवास तो आना दूर, क्या वो एक पत्र के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते थे? अब आते हैं, बहुत अभी हमारे पूर्व में वक्ता ने कहा आईटीआई फैक्ट्री देने का काम किया, आईटीआई फैक्ट्री आज हम अपनी कोच फैक्ट्री सब फैक्ट्री पे, सब फैक्ट्री पे आएंगे। सबसे पहले आईटीआई फैक्ट्री की बात करते हैं, आज की वहाँ पे स्थिति यह है, 80 कर्मचारी बचे हैं, वो भी रिटायरमेंट की कगार पे है। आईटीआई फैक्ट्री अपनी वेंटिलेटर पे है, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। भवानी पेपर मिल पे आते हैं, भवानी पेपर मिल बंद हो चुकी, कांग्रेस के ही लगातार सांसद रहे और 2014 के पहले बंद हुई। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे पक्षपात किया योगी जी ने और मोदी जी ने, यहाँ पे 2014 के पहले ही भवानी पेपर मिल बंद हो चुकी। एम्स की बात करते हैं, रातों रात चुपके से 2009 में सोनिया गांधी जी यहाँ पे एम्स लाने का काम करती हैं, परंतु क्या 7 2014 तक 6-7 में वहाँ पे केवल दो छोटे छोटे कमरे और उसमें भी छत नहीं पड़ी थी, टीन डाल करके ओपीडी चलाने का काम किया। जब 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती तो भारतीय जनता पार्टी ने 1600 करोड़ देके भव्य दिव्य और नव्य एम्स बनाने का काम किया है। रेल कोच फैक्ट्री पे आते हैं, 2014 के तक जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, रायबरेली से सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, केवल रेल कोच फैक्ट्री में नट बोल्ट कसने का काम और पेंटिंग करने का काम होता था। आज संपूर्ण रूप से स्वचालित मशीनों द्वारा वहां पर हम सफर के कोच बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे वहां पे रेल कोच में डिब्बे बनाए जा रहे हैं संपूर्ण रूप से। फिर हम आते हैं ऊषा फैक्ट्री, जो रायबरेली उद्योग की नगरी कही जाती थी, उद्योग था, एक हार्ट थी, आज वो उद्योगों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऊषा फैक्ट्री थी, बंद हो गई, भवानी पेपर मिल थी, बंद हो गई, शुगर मिल थी, बंद हो गई, बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि रोजगार पर बात उठाई, मैं रोजगार पर भी मैं आपको बता दूँ, रासुका जैसी गंभीर धारा लगा करके नकल माफियाओं को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है, नहीं 2017 और 2014 के पहले नकल माफियाओं को पल्लवित पोषित और संरक्षित करने का काम विभिन्न पार्टियों और विभिन्न दलों के द्वारा किया जाता था। ये अच्छी बात आपने बताई कि एक्शन हो रहा है जी, पर उससे पहले पेपर लीक क्यों हो रहा है? हम बता रहे हैं, क्या 14-15 प्रदेश लगभग ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की सरकार नहीं है, बहुत सी जगह कांग्रेस की सरकार है या अन्य दलों की सरकार है। मैं वहां के लिए कहना चाहता हूं, क्या वहां पे सब लड़कों को, युवाओं को पकड़ के SDM बना दिया जा रहा है? क्या वहां पे वहां गलत हो रहा है? वहां कौन कह रहा है सही हो रहा है? वहां भी गलत हो रहा है। अगर वहां गलत हो रहा है, वहां नौकरी नहीं मिल रही, वहां पेपर लीक हो रहा है,
तो यहाँ भी होगा? नहीं वहाँ पेपर लीक नहीं, यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या वहाँ क्या वहाँ यहाँ पेपर लीक हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन रासुका जैसी गंभीर धारा को लगा करके उनको जेल भेजने का भी काम तो हमारी ही भारतीय जनता, उनको उन जो भी नकल माफिया थे उन लोगों को संरक्षित पल्लवित और पोषित करने का काम किन पार्टियों ने किया, लेकिन उनको जेल भेजने का काम हमारी पार्टी ने किया। क्या जहाँ अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हुई कोई बता सकता है? लोग बताएंगे। क्या नाम है? मारू त्रिपाठी, हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी, योगी जी वाली? जी। अब तो सुना डीएक्टिवेट हो गई है, एक्टिव है? नहीं हम लोग बिल्कुल एक्टिवेट हैं, हम लोग महाराज जी के लिए हिंदुत्व के लिए लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग क्या काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए? देखिए हिंदुत्व में अगर कोई प्रतिघात होता है तो सबसे पहले हमारा संगठन खड़ा रहता है। अच्छा, अभी तो आपकी सरकार है, अभी भी प्रतिघात होता है? देखिए प्रतिघात जैसे अभी सपा के पूर्व नेता महोदया जी थे, लगातार रामचरितमानस, रामायण, साथ उन पर मैंने उन पर मुकदमा कराने का काम किया है यहाँ से। अच्छा, रही बात अभी जो इंडिया गठबंधन है इन्हीं के लोग मंच से बोलते हैं कि हम सनातन धर्म डेंगू है मलेरिया है, तुमसे ये बात बोलना सनातन धर्म डेंगू मलेरिया तो है लेकिन तुम इंडिया गठबंधन की प्लेटलेट्स उसी दिन से गिरना चालू हो गई थी जिस दिन उन्होंने समर्थन कर दिया था कि सनातन धर्म डेंगू है मलेरिया है। अच्छा, राय बरेली में क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं? देखिए राय बरेली में निश्चित रूप से की बात कमल खिल रहा है। अच्छा। क्योंकि राहुल गांधी जी सोनिया, कांग्रेस केवल 5 साल में एक बार आती है और चली जाती है। राहुल गांधी जो एक मीम है कि टाटा बाय बाय खत्म गया, तो अब की बार राहुल जी का वही हाल है, टाटा बाय बाय खत्म गया। और जी क्या नाम है आपका? दिनकर। क्या करते हैं? आए क्या करते हैं? दुकान है। दुकान है, जैसे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी टाटा खत्म बाय बाय हो रहा है, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल भाजपा है और क्या, भाजपा है। कौन प्रत्याशी है भाजपा के? भाजपा के प्रत्याशी कौन है? दिनेश सिंह। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, उनका माहौल ठीक दिख रहा है इस बार? हाँ। जैसे बाकी यहाँ बार बार कांग्रेस जीत जाती है, उसका कारण क्या है? आप सोच लो कांग्रेस पुरानी खत्म हो गई। कभी बैल का जोड़ी रही, फिर गाय का बछड़ा हुआ, अब ये नया हुआ पंजा। हमारे मुझसे खुदे विधायक रहे मगर का कहें हमका, वहाँ टाट बिछवाए जिंदगी भर। कौन पार्टी से रहे? कांग्रेस से। अच्छा, और का? क्या इनका नाम रहा उनका? मदन मोहन मिश्रा, यहीं के रहे? संता सेनानी। हाँ, अच्छा, पहले विधायक वही रहे, पार्टी बता दी उनका। जैसे भैया कह रहे हैं कि सोनिया गांधी यहाँ सांसद बन जाती है, राहुल गांधी बनेंगे तो वो आएंगे नहीं, क्षेत्र में नहीं रहेंगे, टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं बीच बीच में, या बहुत कम आते हैं, लोगों के पास उनका एक्सेस नहीं है? देखिए ऐसा, जैसा भाई ने हमारे अभी कहा कि राहुल गांधी चले जाते हैं, सोनिया जी चले जाते हैं, वो पूरे देश के नेता हैं, कोई ज़िले के नेता तो है नहीं, छोटे नेता होते तो ज़िले के अंदर रहते, वो बड़े नेता उनके पास पूरा देश है, वो उनको पूरे देश में विकास करना है, इसलिए कोई जाता नहीं है। और यहाँ पे जो भी देन है वो सब कांग्रेस की है। अब देख लीजिए, चाहे एम्स ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटेक्निक ले लीजिए, चाहे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज ले लीजिए, चाहे आप मोहन नेत्र चिकित्सालय ले लीजिए, चाहे रेल कोच फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे आप ये सब तो गिनाया है लोगों ने, जो भी देन है सिर्फ कांग्रेस की देन है। यहाँ के दूसरे दलों के लोगों ने कभी यहाँ कोई कार्य नहीं कराया है, ना यहाँ के कोई स्थानीय नेताओं ने कभी कोई विकास कराया है। जो भी विकास कराया है ये सिर्फ कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के परिवारजनों ने कराया है, जो भी विकास हुआ है। जो भी पिछले क्या 5-10 साल में जो बीजेपी की सरकार है, सांसद उनका नहीं है ना, मगर एक आध विधायक हैं ना, अभी हमने एक विधायक मनोज पांडे उनको राज्यसभा चुनाव में उस तरफ जाते देखा, इन सब चीज़ों पर क्या सोचते हैं आप लोग? जैसे मनोज पांडे शिफ्ट हो गए उधर, राकेश सिंह शिफ्ट हो गए, मनोज पांडे जी और राकेश प्रताप सिंह जैसे अभय सिंह हैं, जो भी 8 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन लोगों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर के वोटिंग दी। जब जो पार्टी हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे हिंदू राय 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 ईडी के डर से इन लोगों ने ईडी का इतना दहशत हो गया, सुनिए, ईडी का इतना दहशत हो गया कि इन लोगों को लगा कि हमारे घर में छापा पड़ जाएगा, और बीजेपी ऐसी ईडी का और सीबीआई का प्रयोग कर रही। हम ये पूछना चाहते हैं भैया, हम ये पूछना चाहते हैं अपने छोटे भाई से कि ठीक है हमने माना इनकी सारी बातें, लेकिन उस समय बीजेपी के नेता कहाँ थे जिस समय कोरोना काल में लोग मर रहे थे? हमारे यहाँ के सुनिए, हमारे मंत्री जी का एक मिनट, हमारे एक हम लोग अपनी फोटो, हम लोग भारतीय जनता हम लोग चलता था, डेली 800-900 पैकेट जाते थे, पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के मंत्री जी का हमने भैया, हमने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा,
हम सारे ने, ने, सारे आंदोलन बात कर रहे हैं। फीस का मैंने फीस का मैंने आंदोलन छोड़ा अभिभावकों के लिए। मैंने हाँ मैंने आंदोलन छेड़ा जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक मंत्री ने मेरी आवाज को सुनते हुए उन्होंने कहा कि ये फीस अभिभावकों के बच्चों की छोड़ने का ये राज्य सरकार का काम है। लेकिन यहाँ पे मंत्री जी का भी निजी विद्यालय है भैया, जो प्रेजेंट टाइम के मंत्री हैं निजी विद्यालय है। एक भी अभिभावकों के बच्चों के लिए ना आवाज उठाई है और ना अपने विद्यालय में फीस छोड़ा है। ये इसका बीजेपी के लोग जवाब दें। क्या ये पर एक सांसद के तौर पे क्या ये मुद्दा सोनिया गांधी जी ने वहाँ उठाया? देखिए मुद्दा मैंने उठाया, अगर सरकार होती मैंने सांसद नहीं है, साथ तो नहीं दे रहे हैं। मंत्री का नहीं, ये शिक्षा मंत्री का सवाल ये कर रहे हैं। रायबरेली के लोग किसी समस्या से परेशान है, पीड़ित है, तो लोकसभा का सांसद होने के नाते भी एक जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन उनकी निधि ही नहीं खर्च हो पाती, निधि पूरी पूरी उनकी वापस। देश के इतिहास में पहला ऐसा सांसद है जो अपना सर्टिफिकेट भी लेने भारत की तो जनता की बात छोड़ दीजिए। कांग्रेस के पदाधिकारियों कोरोना काल में मौत हुई, यहाँ के शहीद शैलेंद्र सिंह की मौत हुई एक्सीडेंट में, यहाँ 9 लोग हरिचंदपुर में मारे गए। गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति फोन लेके भी हालचाल नहीं लिया, 5 साल केवल रायबरेली की जनता चली गई। और भारतीय इतिहास में ये भी आप जान लीजिए कि 5 साल वोट मिलने पर सर्टिफिकेट वो व्यक्ति नहीं लेने आया, उस ऐसा सांसद और ऐसा सांसद जो यहाँ सांसद निधि चली गई। जब आचार संहिता लागू होने वाली थी तो 28 टेंडर सांसद निधि से लगे और माननीय केएल शर्मा जिनको यहाँ का वो कहा जाता है मैनेजमेंट गुरु सांसद जी का, वो मैनेजमेंट गुरु आए और उनका कमीशन फिक्स नहीं हुआ और 28 टेंडर आचार संहिता के कारण रद्द हो गए। और मैनेजमेंट गुरु जी आए और उन्होंने ये बताया कि आप हार रहे हैं तो राजस्थान से सीधे सुरक्षित सीट से राज्यसभा, क्योंकि फिर राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी तो बहुत दूसरे से आए, आप समझिए राहुल गांधी कैसे आए। यहाँ असल में 20 साल से क्या होता है, कैसे चुनाव होता है कि एक 40 गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली पंजाब और वहाँ से, ठीक है, और 40 चमचमाती गाड़ियों में कांग्रेसी आते हैं जिनको यहाँ के लोग पहचानते नहीं हैं और सड़क के दोनों किनारे रस्से बन जाते हैं। रस्से के उधर जनता होती है जो वोट देती है और रस्से के बीच में वो वीआईपी एसी में रहने वाले गांधी परिवार के लोग जो यहाँ टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। और 5 साल बाद आप देख लीजिए नामांकन में आई थी सोनिया गांधी। जितवा क्यों देते हैं लोग यहाँ के? जितवा यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, मेरे बाल इंदिरा गांधी की तरह दिख रहा, नाक मेरी दादी की तरह हो गई। तो यहाँ के लोगों को भावनात्मक रूप से 20 साल से चला गया। अमेठी में आप देख लीजिए 5 साल से ज़्यादा लोग नहीं छपे, लेकिन रायबरेली भी अब जागरूक हो रहे। पिछली बार 80,000 वोट और मिल गए होते तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता। 2 लाख का अंतर था, 2 लाख का नहीं 1,46,000 का अंतर था, 80,000 वोट और मिल जाते, 80,000 80,000 बढ़ते तो हम आगे आ जाते, 80 उनका था 80 हमारा बराबर हो जाता ना। आप समझिए 80,000 का अंतर था रायबरेली जनता, जिसे वो गढ़ कहते हैं। और आज स्थिति उनकी है कि रायबरेली के किसी विधानसभा में वो दूसरे नंबर पे नहीं रहे, जीतने के बाद छोड़ दिए। 5 विधानसभा है कांग्रेस की, उसमें किसी में दूसरे नंबर पर कांग्रेस। विधानसभा चुनाव जब हुआ आप योगी की सरकार, योगी जी की सरकार बनी यहाँ पर, और यहाँ पर अगर विधायक देखें तो 4 समाजवादी पार्टी की जीते है, बीजेपी तो एक ही जीत पाया आदित्य सिंह। देखिए इसके पहले हमारे 3 विधायक थे, उसके बाद यहाँ सदर और सलवन 2 विधानसभा पे हमने जीत घोषित की कुछ अंतर से ऊंचाहार और हारे ना, ये बताइए कुछ अंतर। जिसको आप अचानक से कैसे बदल जाएगा मामला? मामला कहाँ बदल रहा, हम तो मामला बता तो रहे हैं आपको। मामला ये बदल रहा है कि जो 20 साल से उन्होंने भावनात्मक रूप से बहु बेटी होकर यहाँ चलने का काम किया, 5 साल बाद चाहते तो जो किसान एक बार चल जाए 20 साल चलता रहेगा, 20 साल चलता रहा। बताइए ना कांग्रेस के यहाँ जो है, अरे ये जो है व्यक्तिगत सीट अखिलेश सिंह की है जो जीती हुई, भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं जीती, उन्हें जीती है रायबरेली, न जीतेगी। ये जो है चाहे जैसे चाहे जितनी गाड़ियाँ व्यवस्था आ जाए, एक भी होटल रायबरेली खाली नहीं, सब भाजपा ही भरे हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। पर जीता तो प्रत्याशी तो भाजपा ही का था ना आदित्य सिंह। ये व्यक्तिगत सीट या निर्दलीय लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी ये। अच्छा, ऐसा है अखिलेश सिंह ने ऐसा काम किए हैं कि उनके उनके ना रहने के बाद तक ये 200 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अखिलेश सिंह ने ऐसा काम किया है कि 200 साल तक उन्हीं के नाम पे चुनाव होता रहेगा सदर विधानसभा में। जैसे बाकी ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी यहाँ रहती नहीं है, आती नहीं है, मिलती नहीं है लोगों से, या राहुल गांधी भी यही करेंगे? सोनिया जी हैं, उन्होंने रायबरेली की जनता के लिए इतना काम करवा दिया,
अब बताइए, छोटा सा मुद्दा आप बता रहे हैं कि उनके कॉलेज का सोनिया जी संसद में उठाएं, उनके पास देश का मणिपुर वाला मुद्दा है, उनके पास जो है इतने सारे ये सब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला, ये सारे मुद्दे हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इतना छोटा घोटाला है, ये छोटा घोटाला है। आप आज जो है एक कंपनी को ईडी भेज रहे हो, उसी से आप 1252 करोड़ रुपया वैक्सीन कंपनी से ले लिए। आज वो वैक्सीन कंपनी वाले लंदन में जा करके कह रहे हैं कि जो हमने इंडिया में वैक्सीन लगाई है उससे 40% लोगों की मौत का खतरा है। आपने उस कंपनी से 52 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक, वो तो सुप्रीम कोर्ट को धन्य हो भैया, सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े बड़े काले कारनामों को उजागर करके देश की जनता के पास रखे हैं, आज वही वैक्सीन हमने तो नहीं लगवाई। दशकों कुशासन जिनका वही 10 बरस का हिसाब मांगते हैं, जनक है जो सारी समस्याओं के वही देखो हमसे जवाब मांगते हैं, लेना न देना जनता से कुछ भी, वो पूरे कुनबे का साम्राज्य मांगते हैं, लेना न देना जनता से कभी भी हो गया, वो कुनबे का पूरा साम्राज्य मांगते हैं, मोहब्बत की साझेदारी में खोली है दुकान, बने हमारा मुन्ना नवाब चाहते हैं। अब इस हाल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां बेरोजगारों के कातिल, जहां किसानों के कातिल, जहां व्यापारियों के कातिल, ये भाजपा वाले पूछे अम्मा हुआ क्या। बड़ा भाई शायर है रहे बरेली के लोग। देखिए 10 साल में मोदी जी ने बनारस को क्या बना दिया, आप 10 साल की बात करिए, 20 साल में सोनिया गांधी ने रायबरेली को क्या बना दिया, आप देख सकते हैं बस अड्डा, ये मार्केट लोग घूमने आते थे सुपर मार्केट, यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष है, इसकी पुताई भी एक बार उन्होंने कहा कि 1 साल से मैं हूँ, 1 साल क्या मस्ती करने के लिए बने, 20 साल 60 साल से यहाँ रायबरेली में केवल 2 बार सांसद हारा है कांग्रेस का, आप सोचिए कि मतलब हम जैसे लोग पैदा नहीं हुए थे तब से सांसद रायबरेली में खूनी पंजे का है, और आज उस खूनी पंजे ने पूरे रायबरेली को गंजा कर दिया, और रायबरेली कोई वीआईपी माने खूनी है सर, यहाँ की सड़कें खूनी हो गई, यहाँ का बस अड्डा खूनी, यहाँ का आप देख लीजिए सांसद निधि जिस जिले की लौट जाते हैं उसके उससे ज़्यादा दुर्भाग्य किसी का हो सकता है। मेरा सवाल आप लोगों से, भाजपा वालों से, वो ये है कि जैसे कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी यहाँ सीट जीत रही है ना, अब किसी भी गढ़ को तोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है ना, आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हुए हैं कि भाई ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ना उससे छीन ही जाए, भाजपा उसके लिए क्या प्रयास किया है? पिछले 5-2 टर्म से योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से बहुत ही रायबरेली को बहुत ही अच्छे से तैयार किया, 2200 बूथ यहाँ पर है, ठीक है, 1800 और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल बासी जी को बनाया है, जिनके की 3.5 लाख बासी समाज के यहाँ पर मतदाता हैं, और रायबरेली पर भारतीय जनता पार्टी का एहसान है कि पहली बार यहाँ से प्रत्याशी हारा और उस हारे हुए रायबरेली के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया योगी कैबिनेट में, हारे हुए व्यक्ति को रायबरेली ने किसी एक सेकंड आप सुन लीजिए, कांग्रेस गाजीपुर से हारे हुए प्रत्याशी को राज्यपाल बना दिया गया है, बना दिया गया ना, लेकिन आप कभी कभी कांग्रेस से नहीं कह सकते कि गांधी परिवार के अलावा यहाँ किसी को लड़ा दें, यहाँ भी कांग्रेस के बहुत नेता हैं, क्यों राहुल गांधी जबरदस्ती, पूरी कांग्रेस वहाँ धरना दे रही थी प्रियंका गांधी के लिए, किसी ने राहुल गांधी को नहीं मांगा था यहाँ से, आप सोचिए उनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं, यहाँ के पूरे कांग्रेस आप लोग भी चाह रहे थे क्या, चाहने के बाद नहीं, आप सोचिए कि जिनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है कि इनके पदाधिकारी तीन दिन वहाँ तक पड़े रहे धरने पर कि प्रियंका गांधी जी को भेजा जाए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ की लड़कियों के लिए कभी नहीं लड़ी, 5 साल मान लीजिए सोनिया कह रहे प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था, ये कांग्रेसियों की डिमांड थी, हमारे लिए तो सब सही है भाई, हम तो तैयारी उसी प्रकार से गांधी परिवार का ही लड़ेगा, कांग्रेस कभी यहाँ रायबरेली वालों को मौका नहीं दी, कभी भी जब गांधी परिवार नहीं आया था तब भी यहाँ कौल और शौल पता नहीं कौन कौन आए जिनको आप नहीं जानते, इन्होंने कहा है कि यहाँ का स्थानीय नेता को कांग्रेस ने कभी मौका नहीं दिया, इसी तरह भाजपा भी पहले राष्ट्रीय नेताओं को लड़ाती थी, जैसे अरुण नेहरू को लड़ाया, विनय कटियार को लड़ाया, यहाँ बड़े बड़े नेता लड़ाया, उनको कोई 30,000 पाया, कोई 60,000 पाया, कोई 62,000 पाया, इससे ज़्यादा वोट नहीं पाया, तब यहाँ स्थानीय को मौका दिया, तो बड़े बड़े नेता क्योंकि जानते कि यहाँ के स्थानीय नेताओं का कोई मंत्री बना सकती थी, वो तो चाहती थी चुटकी बजा देती, क्या कह रहे हैं, देखिए आप ये बताइए कांग्रेसियों, सिर्फ एक सवाल है विशाल सिंह, क्या करते हैं, बस ऐसा ही देख रहे हैं समाज में, हम भी घूम रहे हैं देख रहे हैं लोगों का मन, पार्टी जुड़े हुए हैं,
जी भारतीय जनता पार्टी से। बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि राहुल गांधी एक जवाब दें, ये वायनाड रहेंगे कि रायबरेली रहेंगे? ये वायनाड गए तो वहाँ पे बताया कि माता जी धरती के स्वर्ग है, जय जगह आइए यहाँ घूमिए आके, वायनाड ये आपका घर है। रायबरेली आते हैं तो बताते हैं ये हमारे पुरखों की जमीन है, मैं रायबरेली आया हूँ, अपने घर लौट के आया हूँ। रहेंगे कहाँ, सिर्फ इसका जवाब रहेंगे कहाँ छोड़ेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है, सुन लो चाचा, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है कि वायनाड से लड़ चुके हैं जीतेंगे 100%, ये सही है। इन्होंने माना रायबरेली से भी प्रचंड वोटों से जीतने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी रायबरेली से सांसद रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी धोखेबाज बता रहा हूँ, सुन लो चाचा, राहुल गांधी जी रायबरेली से भी सांसद रहेंगे, और ऐसे रायबरेली उनका गढ़ कहा जा रहा है। पहली बार वो वायनाड से जीते थे, वायनाड भी उनका गढ़ है, और प्रियंका जी हमारी वायनाड से जा करके वहां से सांसदी का चुनाव लड़ेंगी और फिर से देश का वो नेतृत्व करने लोकसभा। वायनाड ही क्यों जाएंगी, गांधी परिवार का गढ़ अमेठी था। वायनाड आप जानते हैं किसका संगठन वहां रहता है? पीएफआई का संगठन वहां रहता है। क्यों वायनाड जाएंगे सर? आतंकी को संरक्षण देने के लिए वायनाड गांधी परिवार का सिर्फ एक और सिर्फ काम है, आतंकियों को संरक्षण देना। कभी विकास का काम रायबरेली में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी मुझसे हमने कभी नहीं सुना कि हिंदू मुसलमान किए हो। वो ये मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होके हिंदू मुसलमान पे चुनाव जीत रहे हैं, और राहुल गांधी को 5 लाख वोटों से जिताया मैं बताता हूँ। मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम का नहीं कहा, कांग्रेस कभी अपने एजेंडे को मोदी जी ने अपने एजेंडे की बात की। भाजपा की सरकार अपने एजेंडे पे आई, भाजपा ने कहा, मोदी जी ने कहा मैं आऊंगा तो मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, एजेंडा था धारा 370 हटाऊंगा, 3 तलाक बिल पास करूंगा, महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान, ये एजेंडा था। भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के कहती है कि मैंने जो एजेंडा दिया था उस एजेंडे पर सरकार बनाई, एजेंडा पूरा किया। कांग्रेस पार्टी बताए उसका एजेंडा क्या था? पीएफआई संगठन को संरक्षण देना। रायबरेली में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास कहारों के अड्डे और किला बाजार में बने हैं, वहाँ सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। आप चले जाएंगे, मोदी जी का घोषणा पत्र था 2 करोड़ रोजगार देना, 15 लाख रुपए खाते में पहुंचा। क्या भैया किसी खाते में पहुंचा गया? अगर किसी खाते में पहुंच गया तो हाथ खड़ा कर दे। उन्होंने जैसे उनका घोषणा पत्र में था 15 लाख रुपए, और जब अमित शाह से प्रश्न किया गया तो कहीं ना तो जुमलेबाजी है, कभी वो चाय वाले बन जाते हैं तो कभी चौकीदार बन जाते हैं, तो अब एक नया सी गुफा हो गया, अब चन्ना वाला हो गया, मतलब सारे शब्दों में चा आ रहा है। हमको लगता है चा शब्द इनको सूट करता है, जैसा मेरा मानना है। अब ये बताइए कि इनके कोई वादे पूरे तो हैं नहीं, जब इनसे रोजगार की बात करिए, जब इनसे शिक्षा और चिकित्सा की बात करिए, तो ये घूम फिर के धर्म के नाम पे आ जाते हैं, मंदिर के नाम पे आ जाते हैं। ठीक है, आस्था के विषय है, मंदिर सबकी आस्था का विषय है, ऐसा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसका निर्णय हो गया, मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे गर्माता है तो ये कहीं मंदिर पे आएंगे, कहीं पाकिस्तान पे चले जाएंगे, कहीं चीन पे चले जाएंगे। कांग्रेस के सबसे बड़े वकील सब उसके खिलाफ थे, राम के अस्तित्व के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी। उन्होंने बताया कि राम से तो था ही नहीं, ये था कांग्रेस का चेहरा, लेकिन हम विकास के आधार पर ही लड़ रहे हैं। आपके यहाँ स्क्रैप के बोर्ड में एम्स के यहाँ उद्घाटन हुआ था, एक कमरे में ओपीडी चल रही थी, चाहती तो भाजपा उसको किसी जिले में ले जा सकती थी, यहाँ से ना हमारा इतने विधायक थे ना सांसद थे, उसको 1600 करोड़ बनवाने का काम। अपने भाई को ये मैं बताना चाहता हूँ, अपने भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ, या सबसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जब हम अगर एक बिसुए में मकान बनवाते हैं तो कितना समय लग जाता है? एक बिसुए में अगर हम 3 कमरा 1 किचन 1 लैट्रिन बाथरूम अगर हम एक बिसुए में बनाने जाते हैं तो कम से कम मेरे हिसाब से 6 महीने से कम तो नहीं लगेगा। सैकड़ों बीघे सैकड़ों एकड़ में बना एम्स, आप चाहते हो कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा? आप चाहते हो कि 3 साल में बनकर के चले जाए? एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल सुबह आप एक बार एम्स का कैंपस घूम लीजिए। और जो बता रहे हैं कि 1600 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने दिया, 932 करोड़ रुपया जब 2014 में आई थी तभी उन्होंने जारी कर दिया था। आप ये एम्स के जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने में कम से कम बड़े भाई जब एक बिसुए का घर 6 महीने लगता है तो आप सोचिए सैकड़ों बीघे में जो कैंपस बना है वो कितने दिन लगेंगे? क्या असलियत आपको बता दे, रेल कोच में शिलान्यास 2 बार किया गया और 10 साल तक उसी रेल कोच के आधार पर
यहाँ की सांसद बनती रही रायबरेली। वहाँ क्या होता था, कपूरथला से डब्बा चलता था, यहाँ महीनों खड़ा रहता था, फिर मजदूर भेजे जाते थे, उसकी पेंटिंग होती थी। आप सोचिए उस पेंटिंग का खर्चा कपूरथला से डिब्बे के किराए से ज़्यादा था, ये होता था उस रेल कोच कारखाने में। और आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में वंदे भारत शुरू कर दिया, ये होता है 10 साल का विकास। 10 साल विकास ये नहीं होता कि आइए 5 साल में नामांकन करने और रायबरेली को बताइए कि टाटा बाय बाय फिनिश। वंदे भारत ट्रेन का और जो पहले यहाँ ट्रेनें चल रही, पहले की ट्रेन का लखनऊ का किराया यहाँ से 40 रुपये है, वंदे भारत का किराया 925 रुपया है रायबरेली से लखनऊ का। आम आदमी वंदे भारत में बैठना चाहेगा कि जो इंटरसिटी चल रही तो 70 रुपये वाली, भैया 925 रुपया वंदे भारत का किराया है मात्र 80 किलोमीटर का, मात्र 80 किलोमीटर वंदे भारत का 925 रुपए। हम बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। महंगाई इतनी है कि हम आपको बता दें, इन लोगों से ये पूछा जाए। महंगाई जिसे मुद्दा क्या है भैया, महंगाई बताता हूँ। दे 5 साल 6 साल पहले 10 साल पहले 3 लाख 20,000 जमीन ले रहे हैं, आज 32 लाख में बेच रहे हैं, वह महंगाई नहीं ना। 2G घोटाला हुआ, आज 5G फ्री इंटरनेट पा रहे हैं, वो महंगाई नहीं है इनके पास। भारत आज एक्सप्रेसवे का देश बन गया है, आज एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो महंगाई इनको नहीं दिख रही, वो विकास नहीं इनको दिख रहा। इनको चाहिए कि मोदी जी गैस दे रहे हैं तो मोदी जी दाल चावल बनाए, हमें कौर कौर खिलाए तो मोदी जी ठीक हैं, मोदी जी स्वयं संतुष्ट नहीं। हर घर में इज्जत घर दे रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम जो महिलाएं बाहर बैठी जाते हैं। कांग्रेस दे रही थी इससे पहले भी, कांग्रेस आइए मलिक गाँव में, गाँव गाँव में घूमिए, इससे पहले भी कांग्रेस, इससे पहले भी राजू आकाश विकास दिया जा रहा था, क्या नहीं था? सिलेंडर के लिए 4 बजे लाइन लगाते थे, एक हफ्ते 4 बजे से लाइन लगाते थे, एक हफ्ते 4 पहले जो है 4 हफ्ते पहले लाइन लगाते थे, एक हफ्ते पहले फिर जाते थे, एक हफ्ते रात में आती थी, एक हफ्ते दिन में। आज 18 घंटा 19 घंटा लाइन ले रहे हैं ये लोग भैया, सपा से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश किसकी सरकार थी, काहे गठबंधन करे हो? ऑटो वाले हमको थोड़ा बोलने, यहाँ बहुत सही हो, बोले तो बोले। सर जी आपको हकीकत बता दो, जो यह रायबरेली है 15 साल सोनिया गांधी का है, 15 महीने 15 साल होगी ना, क्या किए हैं आप बताइए, क्या किए हैं? ये हमारे लोग गाड़ी चलती है ना, वहाँ झटका हुआ कौन भी लगती है मैं सोनिया गांधी ने काम नहीं किया, आप कह रहे हैं क्या किए हैं 15 साल में, कब आई हैं ये कब बताओ हमका। सोनिया गांधी खड़ा रही, इंडस्ट्रियल खत्म हो गया रायबरेली, कुछ बचा ही नहीं, सर्टिफिकेट तो अपन लिए नहीं आई हुआ चाटकार लेके गए, तो उनका कौन ही काम है, उनका कोई काम नहीं। 9 फैक्ट्रियां यहाँ बंद हुई सोनिया गांधी, लोगों को रोजगार मिलता था। अब कहती है कि हमारे बाप की बपौती है रायबरेली, हम ही है क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कक्कड़ है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो हूँ बिजनेसमैन। क्या बताने कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां कितनी, हम कह रहे हैं 99% फैक्ट्रियां सिक कर गई। अच्छा। मतलब बंद हो गई। ITI एक ऐसी फैक्ट्री थी जिससे रायबरेली का रेवेन्यू जनरेट होता था शहर का, उस ITI के लिए कांग्रेसियों ने पूरा जोर लगा दिया, मगर 10 जजबंद ने सुनवाई नहीं की और फैक्ट्री आज डेट की स्थिति में आ गई। भवानी पेपर मिल बंद हो गई, 7 फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, अब काम केबल यहाँ बंद हो गई, शुगर मिल बंद हो गई, और उसके साथ जितनी सैलरीज थी 15-20-25 वो सब बंद हो गई। उसकी वजह ये थी कि वो एक जबरदस्ती का डेवलपमेंट था, इन्होंने कुछ नहीं किया, बाहर के लोगों ने आके फैक्ट्रियां लगाई थी, अब वो बैंक का बड़ौदा से लोन था। अच्छा भैया, भैया जी इनकी सरकार, इनकी सरकार 10 साल से है ना, जो फैक्ट्री बंद थी एक आधी चलवा देते तो आज वोट 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 लेते ना ये लोग। मेरी बात आप मेरी बात समझे, अगर सब हमको करना है तो फिर आपका प्रतिनिधि यहाँ काहे को सांसद जाता है, सांसद काहे बनाते हो? सरकार इनकी, काहे के लिए सांसद बनाते हो? सोनिया गांधी ने उनकी जिम्मेदारी, सरकार इनकी है। हम ये कह रहे हैं जैसे ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई सरकार जैसे आपकी थी, सांसद भले इनका था, तो जो फैक्ट्री नहीं चालू हुई थी उनकी चिंता आप लोग कर लेते? नहीं, उनकी चिंता हम लोगों ने की, जो की तो बता रहे हैं, जिस चीज में उन्होंने जो सही, जो डेड हो गई वो तो डेड हो गई, मगर जो इन्होंने पत्थर लगा लगा के छोड़ दिए थे और 5-5 साल डेवलप किया, वो दोनों एम्स और रेल कोच, यही लास्ट में फैक्ट्रियां थी, इन्हीं को इन्होंने डेवलप किया, मगर
दस साल मनमोहन सिंह की सरकार में पूरा जो कार्यकाल आईटीआई वगैरह का था तो इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया उसका, मतलब सांसद थी हमारी आई तक नहीं पांच साल यहाँ। एक छोटे से जिले को एम्स जैसी संस्थान देके समझ लीजिए रायबरेली वासियों के ऊपर इन्होंने एहसान कर दिया और एक ऑक्सीजन पिला के दे दिया इनको, तो काम जिम्मेदारी है ना, एहसान कर दिया। ये बात के मान के चलिए एक छोटा सा जिला है, एम्स जैसी संस्थान, इतना बड़ा संस्थान जो आप जानते गिने चुने थे पूरे भारत में, अब एम्स यहाँ पे दे दिया, समझे रायबरेली वालों को उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, तो एहसान मानना चाहिए रायबरेली वालों। 2014 के पहले 6 एम्स थे उत्तर प्रदेश में, आज 22 एम्स हैं, इनको पता होना चाहिए। 6 एम्स 60 साल में और 10 साल में 22 एम्स उत्तर प्रदेश में, दो गुना भारत देश में। अब आप 6 एम्स थे 60 साल में, 6 एम्स थे पूरे भारत में आपके, और 22 एम्स 10 साल में हो गए, तो ये इनका जवाब है। ये केवल घुमा फिरा के अच्छा, जैसे आप लोग भाजपा वाले, मैंने कई जगह बात सुनी कि दिनेश प्रताप सिंह जो प्रत्याशी हैं उनको सहयोग करने के लिए जैसे मनोज पांडे आपके साथ आ गए है ना, या आदित्य सिंह यहाँ के विधायक हैं, ये सुनने में आ रहा है कि वो सहयोग नहीं कर रही है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? अभी कल ही उनका प्रदेश अध्यक्ष के साथ उन्होंने दौड़ा किया, मनोज पांडे और आदित्य सिंह प्रचार कर रहे हैं। मनोज पांडे जी के भी 22 सभा कल हुई थी नुक्कड़ सभा ऊंचाहार में, और आदित्य सिंह प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी के साथ दौरा की, कोई ये नहीं कह सकता, बराबर उनके सोशल मीडिया में फोटो है। आप इनसे पूछिए कि राहुल गांधी जब अपने प्रस्तावना करने वहां गए थे कमरे में तो कितने सपा विधायक उनके साथ थे, तो फिर हम भी कह सकते हैं जैसे 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 हमारे भाई ने कहा, हमारे भाई ने बताया जिला अध्यक्ष भी नहीं हुआ, और सुनिए उनके रोड से भैया एक कानून बना है, कानून ये कहता है कि प्रत्याशी दो उसके प्रस्तावक एक वकील, हमारे हमारे प्रत्याशी ने कहीं कानून तोड़ने का काम नहीं किया कि आप भीड़ लेके भाजपा की तरह चले गए हो। गठबंधन है अपना दल का जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल हमारा प्रस्तावक था, ये होता है गठबंधन धर्म, ये लोग तो क्या समझेंगे। इन लोगों का तो वही है कि जब तक चुनाव है किसी तरह मजबूरी से गठबंधन है क्योंकि प्रत्याशी है, इस पार्टी से इनका गठबंधन है उसके 4 विधायक है, क्या उसमें से किसी को प्रस्तावक नहीं बना सकते थे? कुल मिलाकर हम आपको ये बताएं कि वक्त के तगाजे पर बात जरा गहरी है, वक्त के तगाजे पर बात जरा गहरी है, सत्ता आज गूंगी है, और आप लोगों को कुछ मीडिया वो लोग छोड़ दो वरना मीडिया भी आज बहरी, जितना त्राहिमाम पूरा देश प्रदेश कर रहा है कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, बहुत कम चैनल है इनकी वजह से। लोग राहुल गांधी पिछले 3 महीने में 2 बार रायबरेली आए और 2 बार पत्रकारों को पिटवाया, मैं ऑनलाइन आपके उस पर कर रहा हूँ, 2 बार पत्रकारों को। देखिए रायबरेली में राहुल गांधी, क्या नाम है आपका? विश्व प्रकाश पाठक। पार्टी जुड़े हुए हैं? नहीं, हम तो आम लोग हैं। नामित झूठ बोला, कौन पार्टी? चलिए चलिए पाठक, चलिए चलिए मैं तो यार तुम लोग करियो ना कटवाली हो। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ, मना कर दिया भाजपा की, और बोलने दो, पिटवा ना पकड़ो, अगर भैया रुक जाओ यार, मतलब तो चालू रहो, इनसे बुलवा लो पहले गवर्नर जो ऐसा लिख के नहीं बनाई हुए, समझो बात है। बात भैया बात सुन ले दो उनका। यदि प्रियंका गांधी जी 5 साल बाद रायबरेली में दिखी और उनका एक नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ाई है आज तक किस हिंदुस्तान की महिला के लिए, किस बेटी के लिए सड़क पे उतर के लड़ाई की, और किसके अधिकारों के लिए आज तक ये लड़ाई की। इनका एक ही विजन है, एक ही विजन है, गांधी परिवार। आप बोलिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। संदेश खाली की घटना होती है, सोनिया जी, राहुल जी या खुद स्वयं प्रियंका जी वहाँ नहीं जाती, विभत्स कांड होते हैं और महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जवाब हमसे ले लेना। सिखों के 1984 में सिखों के दंगे होते हैं, सिख प्रताड़ित किया जाता है, दुकानें लूटी जाती हैं, अल्पसंख्यक अति अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति लूटा जाता है। कांग्रेस क्या करता है? सत्ता थी। दूसरी चीज, कश्मीर के ब्राह्मण सताए जाते हैं, 5.5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण दिल्ली में रिफ्यूजी बना पड़ा था, इस सरकार की सत्ता ने क्या किया? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष हूं।
अभी हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता आपको ये बता रहे थे कि ब्राह्मण ठाकुर अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम बस यही एक भाजपा की मानसिकता है हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इकट्ठा है, लेकिन भाजपा की मानसिकता मोदी से लेकर के रायबरेली कार्यकर्ताओं तक केवल यही है, ब्राह्मण ठाकुर से लड़ा दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो। आज तक यही मोदी करता आया है 10 साल के अंदर। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, साफ हो जाएंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इनके पुरखों ने देश की कमर तोड़ दी, पाकिस्तान का बंटवारा करवाया, बांग्लादेश का बंटवारा करवाया, एक मिनट, उसके बाद रायबरेली को अनाथ छोड़ दिया। और संवैधानिक तौर पे तो सोनिया गांधी जी जिस दिन यहाँ से राज्यसभा के लिए निकल गई, उस दिन संवैधानिक तौर पे दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के सांसद हो चुके थे, और इस बार 5 लाख वोटों से दिनेश प्रताप सिंह की जमानत जब्त है। 10 लाख वोट पड़ेगा, 8 लाख वोट राहुल गांधी की रहेंगे और 2 लाख में आने सब सिमट जाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह के प्रत्याशी यहाँ बनाए गए हैं, उन्हीं के छोटे भाई राकेश प्रताप सिंह हरचंदपुर विधानसभा से उन्हीं के छोटे भाई राकेश प्रताप सिंह उन्हीं के छोटे भाई जो है हरचंदपुर विधानसभा से प्रत्याशी थे, हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी का विधायक राहुल लोधी उनको 18,000 से पटकनी दे के आया, उन्हीं जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उन्हीं के छोटे भाई को बहुत भारी नमस्कार। रायबरेली में 5 साल हारने के बाद भी गली गली हर गांव में घूमने वाले दिनेश प्रताप जी, ऊपर से मोदी जी और योगी जी के 10 साल के विकास की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी रायबरेली प्रत्याशी बाई नेम बाई फेस इनको जानता है, दादा को जानता है, हमको जानता है। आप अपने प्रत्याशी को बताएं, 7 साल ये भैया रायबरेली की जनता, उन्होंने अपने मुद्दे रखे, अपनी बात रखी, और आखिर में जो है बवाल ज़्यादा हो गया तो बंद कर रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।